नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सभी मेरे साथ में पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है बच्चों? संख्याओं को जोड़ने के बारे में, जो हम अलग अलग प्रकार से जोड़ना सीखा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि 25 को 74 में जोड़ना था, हमने इस प्रकार से जोड़ना सीख लिया है। फिर इससे आगे वाली संख्या आपको गृह कार्य में जोड़ने के लिए दी थी, जो आपने, मैं आशा करता हूँ कि कर लिया होगा बच्चों। अब आपको करना क्या है, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक तथा हजार की संख्या के अनुसार लिखना। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिसमें एक अंक होता है बच्चों उसे इकाई अंक कह सकते हैं, और जिसमें दो अंक होते हैं उसे दहाई अंक कहते हैं, जिसमें तीन अंक होते हैं बच्चों उसे सैकड़ा कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं बच्चों वो है इकाई अंक। ठीक है बच्चों, सब में सिंगल सिंगल अंक है। उसके बाद में बात होती है 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक जितनी भी सारी संख्या है वो कौन सी है, दहाई अंक है, क्योंकि इस प्रत्येक संख्या में दो दो अंक है बच्चों। फिर बात होती है 3 अंकों की संख्या की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सैकड़ा। अब आप देख सकते हो 99 तक तो 2 अंकों की संख्या थी, 99 के बाद में 100, 100 में 3 अंक है, 1 + 2 0, तो कितने बनते हैं, 3 अंकों की संख्या को हम 100 कह सकते हैं। तो 100 से लेकर 999 तक जितनी भी सारी 3 अंकों की संख्या है उसे हम क्या कह सकते हैं, सैकड़े का अंक। तो पूर्व अध्याय में आपने संख्याओं को इस प्रकार से लिखना सीखा। तो सबसे पहले आपके सामने संख्या दे रखी है 225। आपको अगर गिनती आती है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 225 में किसी भी संख्या को हम जानने से पहले उसके पीछे वाले भाग या दाहिनी तरफ भाग से हम प्रारंभ करते हैं। तो दाहिनी तरफ भाग का पहला अंक दिखाई दे रहा है आपके सामने 5, तो 5 अंक है वो कौन सा अंक है बच्चों, इकाई अंक का 5 है। उसके बाद में जो दूसरा अंक दिखाई दे रहा है बच्चों वो कौन सा है, 2। हम क्या करेंगे, जैसे ही दहाई अंक पर जाते हैं बच्चों तो 1 0 8 कर देते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, 1 0 8 करते हैं, जिसमें 1 0 8 करेंगे तो बन जाएगा बच्चों क्या बनेगा, 20 बन जाएगा। दो तो 2 अंकों की संख्या 20 दिखाई दे रही है आपके सामने। फिर बात हो रही है तीसरे अंक की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सैकड़े का अंक, सैकड़ा मतलब 100। तो 2 पर दे रखा है बच्चों 100, तो दे रखा है 225। अब आप इसको किस प्रकार से जोड़ सकते, सबसे पहले 200, 200 में हमें क्या करना है, 20 जोड़ना है, तो प्राप्त होगा 220, और 220 में आप 5 जोड़ते हो तो बनता है 225। आप ये कह सकते हो इस प्रकार से, जब आप दाएं से बाईं तरफ जाते हो तो क्या कर सकते हो, इसके पीछे 1 1 0 8 करते जा सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो 5, 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम 5 को उसी रूप में लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है बच्चों 2, दहाई अंक की संख्या की 2 दिखाई दे रही है। अब आप कह सकते हो 2 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है 5, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पीछे 1 0 लगा सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, जैसे ही आपने 1 0 लगाया तो बन गया 20। और 20 हमने क्यों बनाया, क्योंकि दहाई अंक की संख्या है, और दहाई अंक की संख्या को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे 1 0 लगा सकते हैं। फिर बात हुई बच्चों सैकड़े की अंक की संख्या, सैकड़े की अंक की संख्या को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के पीछे 2 0 लगाते हैं तो सैकड़े का अंक बन जाता है। तो सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 2, और 2 के पीछे 2 0 लगाए तो बन गया 200। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हिंदी में 220 + 5, 220 + 25, तो टोटल कितना बना, 200 और 225। तो इस प्रकार से हमने इसको शब्दों में लिखना सीखा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, तो चलते हैं उससे आगे। फिर क्या कह रहा है बच्चों, अभ्यास करना है, अभ्यास 2.1। अभी तक हमारे अभ्यास, पहला अभ्यास स्टार्ट हुआ बच्चों, जो चीज हमने पढ़ना सीखी है उसको हम लिखना सीखेंगे। तो कॉपी में सारणी बनाइए और खाली जगह इस प्रकार भरिए। क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में इस प्रकार की सारणी बनानी है, और आपको जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्रम संख्या 1 दे रखी है, संख्या दे रखी है, और संख्या वो उसका नाम दे रखा है। तो सबसे पहले इकाई अंक दे रखा है 9, और दहाई अंक की संख्या दे रखी है बच्चों 40। ठीक है बच्चों, और सैकड़े का अंक दे रखा है बच्चों 100 100, तो क्या करेंगे, 40 में हम 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त होंगे उन, जैसे ही हम 40 में 9 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 49। कितने प्राप्त होते हैं, 49 प्राप्त होते हैं, मतलब 100 में अगर 40 जोड़ते हैं तो 140, और 140 में हम 9 जोड़ते हैं तो 149 प्राप्त होते हैं। तो हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 149 हमने लिखना सीखा। फिर अब आपको करना क्या है, 200 में बच्चों 60 जोड़ना है। क्या करना है, 200 में 60 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 260, और 260 में आप 9 जोड़ोगे तो 59 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 269 प्राप्त होंगे। 60 + 9 कितने होते हैं, 69 होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 200 + 69 देख सकते हो, जैसे कि आप इस प्रकार से।
269 200, तो हमने शब्दों में 200 इस प्रकार से लिखा, प्लस 69 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 69। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, इनको शब्दों में लिखना है। 269 को आप इस प्रकार से अंकों में लिख सकते हो, और 269 को आप शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्रम संख्या एक और क्रम संख्या दो को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन क्रम संख्या तीन पर, जो क्वेश्चन नंबर तीन है। 300 + 40 कितना बना, 340, और 340 में 7 जोड़ते हैं तो बनते हैं 47। कितने बनते हैं 47। तो बच्चों 300 + 40 और 7 कितने होते हैं 47। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 347 शब्दों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 300 और 47 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो आपको करना क्या है, 347 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको शब्दों में भी उस प्रकार से लिखना है, 347। आप इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हो। फिर क्या करना है बच्चों, चौथा संख्या दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर चार, 300 + 70, 370 और 370 में 9 जोड़ते हैं तो 369, 300 + 69। ठीक है बच्चों, तो अब आप किसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 300 + 69, तो आप लिख सकते हो 369, और इसको किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, 369 इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको शब्दों में लिखना है हमें, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 300, फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, 69। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर, जैसे कि आप देख सकते हो 200 में बच्चों 70 जोड़ते हो तो 270, और 270 में 9 जोड़ते हो तो क्या बनता है, 279, क्या बनता है, 279 बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 279 लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 279। दो सौ उन्नीस इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर क्या दिखाई दे रही है, 800 + 90, 800 + 90, 890, और 890 में 9 जोड़ते तो प्राप्त होते हैं 899, 899 इस प्रकार से जोड़ सकते हैं बच्चों, 800 + 99, तो हम लिख सकते हैं 899। फिर से देखते एक बार,
ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। तो यहां तक कि हमने अभ्यास किया, ठीक है बच्चों, यहां तक हमने शब्दों को अलग अलग भागों में तोड़कर तथा लिखना सीख लिया और शब्दों में लिखना सीख लिया। चलते हैं उससे आगे। आपने सूत्र की संख्या को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। जैसे 9 में हम 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 10, और 99 में अगर 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 100। अर्थात 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ने पर 10 इकाई बनती है। 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ते हैं तो 10 बनता है, और 10 इकाइयां बराबर 1/10 होती है। या ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। 1 से लेकर 9 इकाइयां, अर्थात इसमें 1 इकाई जोड़ने पर आपको 10 इकाइयां बन जाती है, और 10 इकाइयां बनती है तो 10 10 इकाइयां बराबर क्या होता है, 1/10 व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 10 इकाइयां बराबर 1/10, 10 एक एक संख्या को हम लिखते हैं तो उसको 1/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 99 में हम क्या कर सकते हैं, एक जो 9 दिखाई दे रहा है वो 1/9 का है, और जो दूसरा 9 दिखाई दे रहा है वो 1 इकाई का। तो बच्चों आप देख सकते हो इसमें जो 9 दिखाई दे रहा है वो तो इकाई अंक का 9 है, और इसको 10 अंक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं। तो जैसे 0 लगाया तो बन गया 90, और 90 में बच्चों 9 जोड़ते हैं तो बन जाता है 99। तो 99 में जो एक अंक है वो इकाई अंक का, और जो दूसरा अंक है वो 10 अंक का, और इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ने पर 10 10 इकाई अर्थात 1/10 बनती है। फिर आप देख सकते हो 99 में बच्चों 1 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं क्या, 100 प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से आप देख सकते हो 90 90 में हमने क्या किया, 10 और जोड़ा। 10 को किस प्रकार से अलग अलग भागों में तोड़ा, 9+1 अलग अलग भागों में तोड़ा, तो 90+100 किया, 90+10 किया तो आपके सामने प्राप्त हुआ 100। तो आप देख सकते हो, और 9 9 तो 10 और 1/10, 9 अलग अलग 10 बनाई मतलब, और उसके बाद में 1/10 मतलब क्या होते हैं, 10 इकाइयां मिलकर 1/10 बनती है, मतलब 10/10। तो अतः हम कह सकते हैं 10/10 बराबर क्या होता है, 1/100 कहलाता है। सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी सारी संख्या है वो तो क्या है, इकाई अंक, और 10 से लेकर 99 तक जितनी भी सारी संख्या है वो क्या है, 10 अंक, और 100 से लेकर 999 तक जितनी भी सारी संख्या है वो क्या है, सैकड़े का अंक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।